दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिथिलेश। आइए हम आज आप लोगों से बात करते हैं क्रेन के कुछ ग्राफ देखने के बारे में। तो आज हमारा क्रेन भी आज वैसे ही जगह पर लगा है, तो आइए हम आप लोगों को आज दिखाते हैं अपना क्रेन। तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्रेन। देखिए ये नीचे गैलरी है और ऊपर हमें काम करना है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ऐसे जगह पर क्रेन जब लगाते हैं तो हमें काम करने में दिक्कत होता है। कई बार हम ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कितना मीटर पे आके हमारा बूम सड़ जाएगा, कितना मीटर तक हम काम पर कर पाएंगे। तो ये हमारा लमसम 5 मीटर रेडियस है और 5 मीटर रेडियस के बाद ये गैलरी शुरू है और इसके ऊपर से हम बूम निकाले हैं। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा ग्राफ के बारे में आपस में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, ये हमारा 0 पे जो है ये हमारा सेंटर हो गया। अब यहाँ से हमारा रेडियस ना पाए, ये चीज़ जो है ये हमारा रेडियस है, ये 35 मीटर तक, और ये चीज़ें जो है हमारा हाइट है, तो 60 मीटर तक, और ये चीज़ें जो है हमारा बूम लेंथ है 45 प्लस 9 मीटर 200, उसके बाद टोटल 7 मीटर कुछ है वो प्लस करके 16 मीटर, मतलब टोटल ये आपका आ जाएगा 56 मीटर। ये आपका 56 मीटर आ गया जीव समय। अब हम आप लोगों से बात करते हैं इसका, जैसे हम लोग वहाँ पे देखे थे 5 मीटर रेडियस है हमारा और 10 मीटर हाइट है हमारे ऊपर जो गैलरी है उसका, तो उसमें टच नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हमें पहले क्लियर करना है क्रेन लगाने से पहले। तो उसके लिए हम सबसे पहले ध्यान देंगे, ये जो 5 मीटर हमारा आ रहा है इसको हम देख लेंगे, पकड़ लेंगे 10 मीटर हाइट तक। अभी हमारे पास स्केल नहीं था तो हम वीडियो बनाने के लिए ये कुछ जुगाड़ किए। तो ये 5 मीटर पे हम इधर से पकड़ लेंगे, एक मिनट ये इधर रखिए, थोड़ा ये काटने में दुर्बार हुआ है, थोड़ा समझिए, ये थोड़ा आप पकड़ के रखिएगा। और ये हमारा आ गया देखिए 10 मीटर पे हमारा यहाँ आ रहा है, देखिए 10 दिख रहा है आपको हाथ के बीच में, ये चीज़ 10 दिख रहा है, 10 मीटर ये हमारा हाइट हो गया, ये 10 मीटर। अब हम इसको 5 मीटर पे इसको खड़ा रखेंगे, 5 मीटर पे खड़ा रखेंगे। अब हम इस स्केल को लेके आ जाएंगे इधर, वो दिखा दिया आपको 10 मीटर पे हमारा वो स्केल है। अब हम यहाँ इस स्केल को यहाँ हम बूम के सामने से पकड़ लिए, ये 0 है, ये हमारा बूम है, और यहाँ से हम इस चीज़ को पकड़ के धीरे 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 डाउन करेंगे। ये थोड़ा सा इधर उधर होगा तो आप लोग देखने में अपना वो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जुगाड़ नहीं है, मगर एक फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं। ये इस तरह से आ गया, ये देखिए आप 10 मीटर पे आके यहाँ टकराएगा, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा टाइट रखना होगा हमें, थोड़ा पीछे जाओ, ये थोड़ा आपका अंदर आएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा अंदर ले। ये चीज़ें देखिए आके यहाँ टकरा रहा है। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे 45 मीटर पे, हमारा कितना पे टकरा रहा है ये देखिए। अब हम आ जाएंगे 45 मीटर पे, ये देखिए दोस्तों, अब तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा, ये 25 मीटर रेडियस तक हम आराम से काम कर पाएंगे। ये कन्फ्यूज़न हम लोग इस तरह से देख करके दूर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अब हम इसमें 25 देख रहे हैं तो हम 25 नहीं पकड़ेंगे वहाँ, मगर 24 और 23 में तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ हम इस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया ग्राफ देखने का। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से रख के आप लोग देख लीजिए दोस्तों। अब आगे चलिए, हम अगले वीडियो में आपको दूसरा फ्लाई जीप का और एक दो चीज़ें और बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।